सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर आज के दिन में 1 लाख से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर टेली कंसल्टेशन स्टार्ट हो चुका है। टेली कंसल्टेशन क्या है? कोई गांव से गरीब व्यक्ति हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर तक आया, एक दिन में कमाई करके एक दिन खाने वाले लोग हैं, उसके पास समय नहीं होता है क्योंकि रोजगारी के लिए जाना होता है, और उसको प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक पहुँचे और वहाँ से डॉक्टर उसको कहे, वहाँ MBBS डॉक्टर हो या CHO हो, हेड नर्सिस हो, उसको कहे कि मेरी बहस का नहीं, आप डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में चले जाओ, तो फिर एक दिन वो घर जाएंगे, घर से उसके स्वजन को साथ में लेके वो फिर डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे जाएंगे, उसका समय भी 2 दिन बिगड़ेगा, खर्च भी होएगा, तो उसको बहुत दिक्कत होती है। तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर हमने व्यवस्था सुनिश्चित की है, वहाँ टेली कंसल्टेशन की व्यवस्था की है। टेली कंसल्टेशन में क्या होता है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को हमने स्पोक के रूप में चुना है और मेडिकल कॉलेज को हमने हब के रूप में चुना है। तो मेडिकल कॉलेज में स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, फैकल्टीज होते हैं, और यहाँ जब कोई गरीब पेशेंट आता है और प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर उसका स्क्रीनिंग करके डॉक्टर को ऐसा लगे कि मुझे और विशेषज्ञ डॉक्टर की सलाह की आवश्यकता है, तो पेशेंट उसके बगल में बैठे होते हैं और तुरंत ही हब के साथ जुड़ जाते हैं। तो हब में स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैठे हुए होते हैं, तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर, दोनों डॉक्टर बीच आपस में बात करेंगे कि पेशेंट को मैंने एग्जामिन किया, मुझे लगता है कि उसमें ये होने की संभावना है, तो हम क्या कर सकते हैं। स्पेशलिस्ट डॉक्टर को ऐसा लगे कि मुझे पेशेंट से भी बात करनी है, तो तुरंत ही पेशेंट से बात करेंगे, और पेशेंट के साथ बात करके प्राइमरी ट्रीटमेंट जिन्होंने किया है, प्राइमरी एग्जामिन जिन्होंने किए, डॉक्टर के साथ बातचीत करके स्पेशलिस्ट सजेस्ट करेंगे कि आप उसको इस टाइप की मेडिसिन लिख दो और 1 सप्ताह के बाद मुझे फिर से बता देना, तो उसको डिस्ट्रिक्ट प्लेस पर जाने की आवश्यकता नहीं रही, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर ही उसको ट्रीटमेंट मिल गई।